पंच सरपंच सम्मेलन में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया उपस्थित पंच सरपंचों ने अपने अपमान का बदला लेंगे भाजपा को सत्ता से बेदखल करके। नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में भारी तादाद में जुटे पंच सरपंच, भारतीय जनता पार्टी में केवल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और कलेक्टर की ही चलती है। विधायकों को बोलना नहीं केवल हाँ या ना कहना है। जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा की अगुवाई में हुए पंचायती राज सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने ऐतिहासिक वेंकट भवन के सामने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की उपस्थिति में प्रदेश में पंचायती राज कायम करने के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प उपस्थित पंच सरपंच जिला पंचायत सदस्यों को दिलाते हुए अपने भाजपा छोड़ने की बात भी विस्तार से बताई। अभय मिश्रा के अनुसार भाजपा में विधायकों को बोलने के लिए केवल हाँ और नहीं जैसे दो शब्द हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हुए भाजपा की सरकार को खत्म करने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को नेता प्रतिपक्ष ने एक सी बताई। मोदी ने जिस तरीके से आडवाणी जोशी का हाल किया, वही 12 साल पहले सत्ता में आए शिवराज ने भी सभी बुजुर्गों का क्या हाल किया, वह आपके सामने है। कार्यप्रणाली का एक और जीता जागता सबूत कर्नाटक में हुई घटना के माध्यम से बताया। नेता प्रतिपक्ष ने मतभेद मनभेद को भुलाकर भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सभी को मिलकर काम करने को कहा। राम शरद पांडे, राम पदार, राजमणि पटेल पूर्व सरपंच, बाबूलाल पांडे पूर्व सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य पंच सरपंच, इनकी क्या स्थिति है बताने को कुछ बचा नहीं। हमारे साथियों ने सब बनाया है कि सरपंच को मैट बना दिया है। जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य को क्या मिला, सबसे बड़ी बात है पंच को क्या मिला। सोशल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अगर हम पकड़े तो पंच को क्या मिला, सिर्फ उन्हीं को दोगे जो चिल्लाए। बहुत बड़े बड़े न्याय की बात करते हो, संविधान में लिखा है, 2003 में लिखा है, 2003 में वो 1994 से लिखा हुआ है कि पंच को 100 रुपए प्रति बैठक प्रति पंच मिलेगा प्रति माह, सरपंच को 300 रुपए मिले। आज स्थिति क्या है, 1994 में मास्टर को अगर 600 मिलता था तो आज एक मास्टर को 65,000 रुपए मिल रहा है और सरपंच को 1750। बस 1750 में वो पूरा अपने बाल बच्चे पाल लेगा, तुम्हारी गुरुवारी करेगा और बड़ा ईमानदार रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को मानसिक रोग है कि अधिकारी कर ले तो कर ले, जनप्रतिनिधि तड़पता नजर आए। मैं कांग्रेस को पार्टी में क्यों जाएंगे, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में विधायक बनके भी क्या करो, केवल सर गिनाने का खेल। हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, ये नौटंकी करते 5 साल बीत जाओ। कांग्रेस पार्टी में अगर विधायक बनोगे तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो, तो जनता का सच तो बोल सकते हो, आवाज तो उठा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी में तो आप बोल भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई पद है तो पीएम का है कि सीएम का है कि फिर डीएम का है। एक प्रधानमंत्री नेता, एक मुख्यमंत्री नेता और फिर कलेक्टर, वही हालत है कि बजट 2003 में 55,000 करोड़ का था जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई, आज कितना है, लगभग 2,00,000 करोड़ का बजट। उस समय 4,500 करोड़ का कर्ज था, प्रति व्यक्ति कर्ज 600 रुपए था, आज प्रति व्यक्ति कर्ज 45,000 रुपए। तुमने हर गांव गरीब और किसान को इस कर्ज में ला दिया, आज नहीं तो कल उसको भरना होगा, और इससे गांव गरीब किसान के हिस्से क्या गया, ये सबसे बड़ा गलत प्रश्न है। इस परिस्थिति में आप सोचिए कि इतने अति और अहंकार और इतना दमन करने के बाद, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आ गई, तो सरपंचो पंचो सुनो, सोचो तुम्हारा ये क्या हाल करेगी। इस 3.5 साल में क्या हाल किया है, चुनाव के बाद भी तुमको 1.5 साल पंच सरपंच जनपद जिला सदस्य रहना है, और 1.5 साल में तुम्हारी क्या दुर्दशा हो जाएगी। और सबसे खतरनाक स्थिति है
कि भविष्य में कोई भी गांव का छोटा छोटा जनसेवक ऐसे चुनाव क्यों लड़े। हर आदमी विधायक नहीं हो सकता, हर आदमी सांसद नहीं हो सकता, हर आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। गांव में रहने वाला छोटा छोटा व्यक्ति जो गरीब है, जो किसान है, छोटे छोटे उसकी जो जिसकी जैसी हैसियत है वो पंच बन जाता है, सरपंच बन जाता है, जनपद जिला बन के अपने गांव के लोगों का सेवा करता है और अपना मान सम्मान बनाता है। आखिर अगर ये सरकार आ गई तो ये व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और आपको मालूम है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आ गई तो ये अपने सत्ता और उसका दुरुपयोग करके दबाव बनाकर ये लोकसभा दौड़ा के जीत लेते हैं। देखते नहीं है बड़ी बनाई सरकार छोड़ा लेते। तो अगर ये लोकसभा जीत ली और मोदी की सरकार आ गई तो आप ये मान लीजिए कि अगली बार अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो इस देश में चुनाव नहीं होना है। जरा सा आप कहोगे हमको भूख लगी है, वो कहेंगे चुप रहो, सियाचिन खतरे में है, और एक कहीं छोटा मोटा युद्ध करा के एक संविधान संशोधन कर देंगे और चीन और रूस जैसी स्थिति कर देंगे कि अब यहाँ कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। एक तरफ शिवराज की कल्पना प्रदेश है, एक 8 साल पहले स्वर्णिम प्रदेश बराबर गए, और दूसरा रोल अपना समझ ले ये दुखी यह स्वर्णिम प्रदेश के वासी, और जीवन के अंत तक यह कार रहे कि कांग्रेस के सिपाही आए, सिपाही से थानेदार कहूं नहीं मैं, लेकिन ये शिवरजवा एक दो उजाड़ नहीं रहे, अपने बच्चे को नाम नहीं सुने रहे 12 साल पहले, वो बता दे शिवराज सिंह के नाम 12 साल पहले मध्यप्रदेश में को उजाड़ था, लेकिन आज ऐतिहासिक धरोहर नहीं आई, सरदरिया मॉल है वही के पीछे के घर आप बोले जी राजेंद्र शुक्ला के हाथ की रही है। तो भाई आयसर जौन हमारा घर बचा है, जौन पंच के घर बचा है, जौन सरपंच के घर बचा है, यदि इनका सरकार बन गई तो अगले दफे वो खत्म हो जाएगी।